Dililo Interstate Council meeting start ayindi prastutam Rajnath Singh matladutunnaru live chuddam. Antaral ke baad ho rahi hai. Rajyon ke madhya evam rajya va kendra sarkar ke beech vibhinna vishayon par ek mat na hone se development projects ke execution samet tamam aise mudde hain jin par pratikool asar padna yah swabhavik hai. Isi ko dhyan mein rakhte hue स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत गृह मंत्री की अध्यक्षता में जोनल काउंसिल्स बनाए गए हैं. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष 2015 में सभी पांच जोनल काउंसिल्स की बैठक हुई है. इनमें से कुछ 10 वर्षों के पश्चात हुई है. 2016 में भी एक बार इस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक हो चुकी है. यह हमारे लिए संतोष का विषय है कि इन बैठकों में 150 से ज्यादा इशूज पर चर्चा हुई है और अधिकांश ऐसे इशूज रहे हैं जिनमें हम समाधान की दिशा में आगे बढ़े हैं. हमारे लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों में है जो 12 वर्ष से भी अधिक समय तक स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं. देश का नेतृत्व संभालते ही अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उन्होंने केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों को एक नई दिशा देने की शुरुआत की है. पिछले 2 वर्षों की हमारी सरकार का मूल मंत्र सही मायनों में फेडरलिज्म को प्रमोट करना रहा है, चाहे वह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के द्वारा हो अथवा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के माध्यम से. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से हमारा तात्पर्य है कि सेंटर और स्टेट साथ मिलकर डेवलपमेंट रिलेटेड पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन एवं इम्प्लीमेंटेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट एवं क्लोजली कोलैबोरेट करें. इंटर स्टेट काउंसिल की यह बैठक एवं जोनल काउंसिल्स की बैठकें इसी प्रयास का ही एक पार्ट है. हमारी सरकार का फर्म व्यू है कि राष्ट्र के विकास में केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों की अहम भूमिका हो. यही कारण है कि केंद्र सरकार ने 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को स्वीकार करते हुए राज्यों का फंड एलोकेशन परसेंटेज काफी हद तक बढ़ा दिया है. साथ ही प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड करके नीति आयोग का गठन भी इसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा को स्ट्रेंथन करने के लिए ही किया गया है. नीति आयोग के बनने से वन साइज फिट्स ऑल की प्लानिंग कमीशन की इनहेरेंट कमी को दूर किया गया है और अब राज्य सरकारें अपने लोकल नेसेसिटीज को ध्यान में रखते हुए स्कीम्स के फॉर्मुलेशन एवं इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगी. हमारी सरकार की यह भी स्पष्ट मान्यता है कि सभी राज्यों के इक्विटेबल डेवलपमेंट के बिना राष्ट्र का विकास अधूरा है. राज्यों के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि राज्यों के बीच एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बने. इसके लिए राज्य एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी एडॉप्ट करें. उदाहरण के लिए जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो सोशल पैरामीटर्स पर राज्यों की रैंकिंग की बात करते हैं, मेक इन इंडिया अथवा स्वच्छ भारत अभियान के क्रम में राज्यों की बात करते हैं तो हमें राज्यों के बीच जो हेल्दी कंपटीशन दिखाई देता है वह कंपिटिटिव फेडरलिज्म का हिस्सा होने के साथ साथ ओवर आर्किंग डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का भी हिस्सा है. जब मैं डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की बात करता हूं तो मेरा तात्पर्य विकास की उस धारा से है जो सभी राज्यों को साथ लेकर चलती है. विकास की प्रतिस्पर्धा में जो पीछे छूट जाते हैं उनको भी साथ लेकर चलने की आवश्यकता है. हमारी सरकार की यह कोशिश होगी कि उन राज्यों को जो इस डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी में पीछे छूट रहे हैं उनकी मदद करें और एडिक्वेट लीगल प्रोसीजरल तथा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने में भी सहयोग करें. इस अवसर पर मैं
आपको काउंसिल की पहले की बैठकों में हुए डिस्कशंस के विषय में भी बताना चाहता हूं. फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स्थ तथा सेवंथ बैठकों में इस फोरम पर सरकारिया कमीशन के रिपोर्ट, उसके इम्प्लीमेंटेशन एवं अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा की गई, जबकि फिफ्थ मीटिंग में इमरजेंसी प्रोविजंस, काउंसिल के बिजनेस के लिए गाइडलाइंस इत्यादि पर भी चर्चा की गई. एथ एवं नाइन्थ मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, गुड गवर्नेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आदि पर भी चर्चा हुई. पिछली बैठक 2006 में हुई, जिसमें एससी एसटी पर होने वाली एट्रोसिटीज एवं उनके लिए एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पर डिस्कशन हुआ. आज हम फोर एजेंडा आइटम्स पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के कॉमन इंटरेस्ट का है. फर्स्ट, केंद्र और राज्यों के संबंध में जस्टिस एमएम पुंछी की चेयरमैनशिप में गठित कमीशन की रिकमेंडेशंस की स्टेटस और वे फॉरवर्ड, ये पहला एजेंडा होगा. हम जानते हैं कि पुंछी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2010 में सौंपी थी, जिसमें 273 रिकमेंडेशंस थी, जिसमें सभी स्टेट्स, यूटी और केंद्रीय मंत्रालयों को कमेंट्स के लिए भेजा गया था. मैंने स्वयं भी सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र कई बार लिखा है और सभी मुख्यमंत्रियों को 31 मार्च 2016 तक कमेंट्स भेजने का भी अनुरोध किया था. इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त व्यूज को एनालाइज किया है. सेक्रेटरी इंटर स्टेट काउंसिल अपने प्रेजेंटेशंस में इस पर प्रकाश डालेंगी. सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस की तर्ज पर हम चाहेंगे कि पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशंस पर भी पहले स्टैंडिंग कमेटी में विस्तार से चर्चा होकर यह इंटर स्टेट काउंसिल के समक्ष आए तो काउंसिल को अपने मत बनाने में आसानी होगी और समय भी कम लगेगा.